राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन थर्ड, सीपीए रीजन थर्ड के सम्मेलन में इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड एस संगमा जी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन डॉक्टर हरवंश जी, मेघालय के स्पीकर श्री थॉमस ए संगमा जी, सीपीए रीजन थर्ड के चेयरमैन श्री पीडी सोना जी, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व राज्यों के माननीय स्पीकरगण, डिप्टी स्पीकरगण, राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा के अधिकारी, विधानसभा के अधिकारी, पत्रकार साथियों, सीपीए जोन थर्ड जो एक सबसे सक्रिय रीजन है, जहां अभी तक 20 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस यहां पर अलग अलग राज्यों में हुई, अलग अलग विषयों पर हुई, मुद्दों पर हुई, वर्तमान भविष्य की चुनौतियों के लिए हुई। इसके लिए मैं सीपीए रीजन के पदाधिकारी, विशेष रूप से चेयरपर्सन पीडी सोना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इसकी शुरुआत हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर, इस राज्य के मुख्यमंत्री, जिन्होंने भारत की संसद की परंपराएं, परपाटियों की एक नई दिशा दी और एक चुनौतीपूर्ण तरीके से इस राज्य की समस्याओं का समाधान भी किया और देश के लोकतंत्र को एक दिशा देने का काम किया। स्वर्गीय पीएस संगमा जी का योगदान इस देश के संसदीय लोकतंत्र में हमेशा याद रखा जाएगा, और जो उन्होंने उच्च कोटि की संसदीय परंपराएं, परपाटियां, शेष पद्धतियां सदन में के माध्यम से सदन की कार्रवाई चलाई, आज उनकी श्रेष्ठ परंपराएं मुझे भी मार्गदर्शन देने का काम करती है, क्योंकि वह सदन जब चलाते थे मुस्कुराते हुए सभी पक्षों को साथ लेकर एक निर्वाद और निष्पक्ष रूप के रूप में उनकी भूमिका इस संसदीय लोकतंत्र में हमेशा आधार रखी। और सीपीए जोन थर्ड के अंदर भी उनकी शुरुआत और किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के रीजन के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्पीकर आपस में बैठकर चर्चा करें, संवाद करें, विचार विमर्श करें और उस चुनौतियों को समाधान करने का रास्ता चर्चा, संवाद,
बेस्ट प्रैक्टिस से समाधान करने का प्रयास करें। मुझे खुशी है कि आज 20वीं कॉन्फ्रेंस मेघालय में हो रही है। मेघालय शिलांग जो अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य लिए हुआ, देश की सबसे ज्यादा बरसात जिस राज्य के अंदर होती है चेरापूंजी में, बादलों का घर, लेकिन अभी गर्मी है, मौसम परिवर्तनशील है और इस मौसम परिवर्तन को हम देख रहे हैं और इस मौसम परिवर्तन से होने वाली आपदा चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए हम सब यहां पर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे कि जो प्राकृतिक रूप से जो नया संकट जलवायु परिवर्तन का आया है उसके लिए क्या समाधान निकाला जाए और जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक आपदा की चुनौतियां आएगी उन चुनौतियों के लिए हमारी कैसी तैयारी हो, कैसे उसका समाधान हो, क्या क्या चुनौती मानव के कारण हो रही है, क्या क्या चुनौती प्रकृति की छेड़छाड़ के कारण हो रही है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा और संवाद करेंगे। और इसीलिए लोकतंत्र के अंदर चर्चा और संवाद, विचार विमर्श, उससे हमने हर चुनौतियों का समाधान किया है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश की हर चुनौतियों, आपदा, संकट, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, विकास के नए रास्ते, अपने अपने राज की नीतियों कार्यक्रमों को बनाकर हमने एक बेहतर संसदीय परंपराओं को लागू किया है और जो हमारे मूल में है लोकतंत्र हमारे मूल के स्वभाव में है, हमारे कार्यक्रम में है, हमारे विचार में है और इसीलिए हमने इन चर्चा संवाद से ही देश को इस प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। और इसीलिए आज जो हमारे सामने दो विषय रखे गए हैं, प्राकृतिक आपदाएं और उसके प्रबंधन और रणनीति की चुनौतियां, दूसरा विषय इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को किस तरीके से हम बेहतर कनेक्टिविटी से यहां के संसाधनों का, यहां की प्रकृति का, यहां के कृषि उत्पादन का, यहां की मानवीय सेवाओं का बेहतरीन उपयोग कर अपने अपने राज्य की नई विकास की अवधारणा रखें। यह बात सही है कि दुनिया जलवायु परिवर्तन से चिंतित है, लेकिन हमने उस जलवायु परिवर्तन के अंदर दुनिया से एक कदम आगे बढ़कर, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश, विकास के नए आयाम को प्राप्त करने वाला देश, लेकिन विकास के साथ हमने प्राकृतिक संतुलन बनाकर हमने विकास की कार्य योजना बनाई है और इसीलिए हमने जो विकास का मॉडल बनाया उस विकास के मॉडल में कहीं ना कहीं हमारे मूल स्वभाव में ही
प्रकृति के नजदीक रहना हमारा मूल स्वभाव रहा है। हमारी लाइफ ऑफ स्टाइल भी प्रकृति के अनुकूल रही है। प्रकृति को हमने पूजा है, सूर्य की पूजा की है, जल की पूजा की है, धरती की पूजा की है, पेड़ की पूजा की है। हमारा एक आध्यात्मिक जुड़ाव भी प्रकृति से रहा है। इसलिए बदलते समय के अंदर इन चुनौतियों से मुकाबला करने में हमारे मूल स्वभाव से हम निश्चित रूप से इस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान भी निकलेंगे और जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में भी हम बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर अपने अपने राज्यों के अंदर भी और देश के अंदर भी प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में हमने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन का ठीक से उपयोग करते हुए हमने उसकी प्रबंधन की योजना भी बनाई है। जब आप दो दिन चर्चा करेंगे तो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हम किस तरीके से जो हमारी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं, प्राकृतिक आपदा की जोखिम को कैसे न्यूनतम कर सकते हैं और प्राकृतिक आपदा आने के बाद किस तरीके से बेहतर प्रबंध कर सकते हैं, उसके लिए जो आप दो दिन तक चर्चा संवाद करेंगे और चर्चा संवाद के साथ जो बेहतर परिणाम आएंगे उससे राज्य भी अपनी नीतियां बनाएगा, कार्यक्रम बनाएगा, योजना बनाएगा और केंद्र सरकार भी राज्यों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य की प्राकृतिक आपदाओं की को देखते हुए राज्य और केंद्र मिलकर एक ऐसे सिस्टम योजना बनाएगा जिससे हर गांव का व्यक्ति भी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सके, चुनौतियों से लड़ सके। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के 10 एजेंडे के अंदर हमने हमारी स्थानीय क्षमताओं के विकास पर, टेक्नोलॉजी पर और जो हमारी पूर्ति हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में जो रही है प्राकृतिक आपदाओं से रोकने की कार्य योजना, उसको भी ठीक की है। और निश्चित रूप से दूसरा विशेष राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये धरती एक ऐसी धरती है जहां का मानव संसाधन कुशल है, जहां का मानव संसाधन दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, यहां का मानव संसाधन शिक्षा, संस्कार और प्रकृति के नजदीक वाला मानव संसाधन है और इसका श्रेष्ठतम उपयोग कैसे हो, देश में उनकी श्रेष्ठ सेवाओं को कैसे दें, हमारा जो नौजवान जो सामर्थ्य से, बौद्धिक क्षमता से, इनोवेशन से नई सामर्थ्य शक्ति रखता है, दुनिया के अंदर भारत में हमारे नौजवानों की सामर्थ्य और शक्ति के कारण आज भारत का गौरव सम्मान बढ़ा है, उसमें नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए जब कनेक्टिविटी बेटर होगी तो निश्चित रूप से हम बेहतर कनेक्टिविटी से आर्थिक संसाधनों का विकास कर पाएंगे, हमारी प्रकृति को साथ संतुलन बिठाकर हम एग्रीकल्चर के अंदर प्राकृतिक खेती के रूप में
ये प्रदेश अपने आप में कई राज्य तो 100% प्राकृतिक खेती करते हैं और प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता हो गई है और इसलिए प्राकृतिक खेती के रूप में यहां की उपज, यहां की औषधियां, यहां की कला, यहां की संस्कृति, यहां की हस्तकला, इन सब का हम बेहतरीन उपयोग जब कर पाएंगे जब हमारी कनेक्टिविटी नजदीक बेहतर होगी। इसलिए पीएम गति शक्ति योजना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में एक योजना बनाई है कि एक छत के नीचे चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे जलमार्ग हो, इन सब बुनियादी ढांचों का एक साथ मिलकर विकास किया जाए। जो प्रदेश इन बुनियादी ढांचों से पीछे रह गए हैं उनको एक विकसित राज्यों के समकक्ष खड़ा किया जाए और इसलिए जब आप चर्चा करेंगे तो अलग अलग राज्यों के जनप्रतियों के जो सदन में चर्चा हुई है, संवाद हुई है कि हम कैसे बेटर कनेक्टिविटी को कर सकते हैं, कैसे रोड कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है, एयर कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है, रेल कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है, इसमें जो विचार आपने जनप्रतिनिधियों के सुने, सदनों में सुने, उनको एक साथ मिलकर सीपीए रीजन में चर्चा होगी तो हम बेहतर कनेक्टिविटी से इन प्रदेशों के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान इस सीपीए की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे पाएंगे। और इसीलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब हमारी चर्चा हो, संवाद हो, उसमें राज्य की कनेक्टिविटी हो और देश के अन्य राज्यों से भी कैसे कनेक्टिविटी हो, एक बेहतर विकल्प भी हमें देना चाहिए ताकि जब कोई सरकार नीतियां बनाए, पॉलिसीज बनाए, विकास की योजनाएं बनाए, उसके अंदर सीपीए जोन के अंदर जो चर्चा संवाद हुए, जो हमने चर्चा संवाद में जो निष्कर्ष निकले वह इनकी विकास की योजनाओं के अंदर महत्वपूर्ण हिस्सा काम करे और इस पेपर के माध्यम से वह कनेक्टिविटी की योजना बनाते समय आपके विचारों के संवादों का अधिकतम उपयोग करें। इसलिए मुझे याद है भारत के प्रधानमंत्री जी बार बार एक ही बात कहते थे कि उत्तर पूर्व क्षेत्र का विकसित होना भारत के लिए अति आवश्यक है और उसको बराबर लाना हम सबका दृढ़ निश्चय है। हम चाहते हैं 140 करोड़ जनता चाहती है कि देश का हर राज्य का विकास हो और राज्य का विकास जब होगा जब सामूहिक प्रयास करेंगे, सामूहिक हमारी कार्य संस्कृति होगी, सामूहिकता के साथ काम करेंगे। मुझे याद है यहां के राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार जब दिल्ली में आते हैं तो एक विचार रखते हैं कि हम हमारे राज्य के विकास के अंदर नॉर्थ ईस्ट के सब राज्यों के विकास को साथ लेकर चलें और ये मूल भावना इस सीपीए रीजन की भी है। इसलिए मुझे खुशी है कि कई राज्यों ने यहां पर कनेक्टिविटी के बारे में भी बेहतर योजना से काम किया है और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे उसके विषय के अंदर भी एसडीजी के विषय में भी लगातार चर्चा और संवाद से कई राज्यों ने विकास के उन मानदंडों में सबसे अग्रिम पंक्ति पर खड़ा करने का काम किया है। उसी के साथ विकास के मोर्चे पर जब 1920 का हम देखते हैं, सीएसओ डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पूर्व के कई राज्यों ने राष्ट्रीय विकास के आंकड़ों के को भी पार करने का काम किया है और इसी तरीके से चाहे मिजोरम राज्य हो चाहे अन्य राज्य हो, जिस तरीके से उन्होंने
लगातार विकास की गति को आगे बढ़ाया है। आज वो विकास की गति के अंदर भारत के अग्रणी अन्य राज्यों के समकक्ष खड़े हो चुके हैं और इसीलिए ये क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। जो मैंने पहले बताया कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में, हस्तशिल्प के क्षेत्र में कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की भूमिका नहीं हो। केवल उनका ठीक से उपयोग करना, प्रकृति के संतुलन बनाकर उसका उपभोग करना और उसको प्रकृति के अनुकूल बनाकर उसके विकास की योजना बनाना, यह हमारे लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है और इस अवसर का हमें लाभ उठाने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मेरे मन में एक हमेशा मन में पीड़ा रहती है कि अभी पिछले दिनों जो कुछ भी राज्य में घटनाएं घटी है वो मानवीयता के तौर पर और सामाजिक तौर पर कोई अच्छी घटनाएं नहीं है। वह हम सबको पीड़ा देती है, सारा समाज, सारा राज्य, सारा देश शांति के रास्ते पर चले, हम शांति बहाली हो, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। शांति से ही राज्य और देश की समृद्धि होती है और इसीलिए मानवीय तौर पर भी हम सब शांति की अपील करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे किसी भी विषय के कारण किसी को पीड़ा न पहुंचे। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और इस संस्कृति के हिस्से को हम सबको मिलकर सामूहिकता के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं पुनः आज यहां पर यहां के स्पीकर थॉमस ए संगमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, यहां के राज्य के मुख्यमंत्री जी को और इस सीपीए जोन थर्ड के चेयरमैन पीडी सोना जी को भी कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आपने यहां पर इस सम्मेलन को रखा है। जो चर्चा होगी, संवाद होगा, जो विचार विमर्श होगा और उसके जो निष्कर्ष निकलेंगे वो निश्चित रूप से राज्यों के विकास की योजना बनाने में, देश के विकास और नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।